हरिओम भाइयों, आज हम बात करेंगे जो अग्निवीर योजना है उसके बारे में। क्या है अग्निवीर योजना? बहुत ही अच्छा योजना है जो हमारे देश को अंदर से भी मजबूत रखेगा और बाहर से भी मजबूत रखेगा। और कुछ लोग हैं जो हमारे युवाओं को बरगला रहे हैं, फालतू के मैसेज कर रहे हैं ना, वो सब ना करें। और हमारे देश के जो युवा हैं वो समझदार रहें, अपने देश में तोड़फोड़ ना करें और सरकारी संपत्ति ना जलाएं। वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, सरकार का नुकसान नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम बात करेंगे अग्निवीर योजना, जो है बहुत अच्छी योजना है जो हमारे भारत देश को अंदर से भी मजबूत रखेगा और बाहर से भी मजबूत रखेगा। अंदर से मजबूत 4 साल तक जो हमारे फौजी भाई रहेंगे वो रखेंगे, और बाहर से मजबूत हमारे रिटायरमेंट जो फौजी भाई होके आएंगे 4 साल बाद वो रखेंगे, है ना। और रही बात उनके काम का, तो यहाँ से हमारे हमारे घर से 5-6 किलोमीटर दूर रिलायंस कंपनी है, वहाँ पे सभी एक्समैन हैं जो रिटायरमेंट फौजी हैं, और 60 से 65 एक्समैन हैं, और जिनकी सैलरी है 40-45 चालीस 40 हज़ार मतलब मैक्सिमम 40 हज़ार रुपये स्टार्टिंग है। और जो जैसा पोस्ट में है उसका 50 भी 55 भी 60 भी 70 भी 80 भी 90 भी 1 लाख भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सब खुश हैं, सब फौजी भाई हैं। जो सुविधा गवर्नमेंट दे रहा है वो सुविधा पूरा प्राइवेट दे रहा है, और आज वो 15-20 साल से वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो मैं वो फौजी भाई से भी इंटरव्यू ले लूँगा और वो वाला वीडियो भी डाल दूँगा, वो क्या कहते हैं अग्निवीर योजना के बारे में, है ना। और मेरा भी सपना था बचपन से था कि मैं फौज में जाऊँ, पर कुछ कारण बस नहीं जा पाया। यदि कभी ऐसा योजना आया कि जो कोई भी है फौज में आ सकता है, सबसे पहला नाम हमारा रहेगा, हम तो जाएंगे। सैलरी ना मिल हमें तनख्वाह मिले ना मिले, पर हम सेवा अपने देश अपने जन के लिए सेवा जरूर करेंगे फौज में जाके।